How to fix Samsung J7 Duo. Bluetooth could not connect. Turn on Bluetooth tethering problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्क्रीन पे एरर है उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जब इंटरनेट एक्सेस इनेबल करने की कोशिश कर रहा था मेरे डिवाइस में, ठीक है, जो कि इस डिवाइस का ब्लूटूथ मैं यूज़ कर रहा था। तो इस डिवाइस का जो ब्लूटूथ है मैं इसको यूज़ कर रहा था, और उसके साथ में दोस्तों जब मैंने सेटिंग पे जाके देखा तो मुझे इंटरनेट एक्सेस का ऑप्शन मिला। तो जैसे ही मैंने इंटरनेट एक्सेस के ऑप्शन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि कुड नॉट कनेक्ट, टर्न ऑन ब्लूटूथ, टेटरिंग ऑन दिस डिवाइस। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आज के इस वीडियो पर मैं आपको सॉल्यूशन बता देने वाला हूँ। सिंपल सा ही सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ बेसिक सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद सेटिंग आपको कैसे करना है, सेटिंग आप करने के बाद सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों यहाँ पे, और सारे सारे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर लेना। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आप सेटिंग पर जाइए। सेटिंग पर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। एंड देन आपको रीसेट पर क्लिक करना है, और रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर जाके आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद अपना मोबाइल पैटर्न पासवर्ड जो भी है उसको सेट कर देना है, भर देना है, और सेटिंग को रीसेट कर लेना है, ठीक है। इससे नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगा, आपका ब्लूटूथ कनेक्शन भी रीसेट हो जाएगा। तो कनेक्शन पर जाइए उसके बाद में, और ब्लूटूथ को इनेबल कीजिए, जाइए ब्लूटूथ के ऑप्शन पे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उस डिवाइस को सेलेक्ट करना है जिस डिवाइस का आपको ब्लूटूथ टेथरिंग यूज़ करना है। तो यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करें और इस बटन को इनेबल करने की कोशिश करें, लेकिन दोस्तों आपको अभी भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। आपको अभी भी प्रॉब्लम आएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस उस डिवाइस में इनेबल्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कुड नॉट कनेक्ट। तो यहाँ पे जो आपको रेडमी का जो फ़ोन दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो फ़ोन मॉडल आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो उस मोबाइल पे ब्लूटूथ टेथरिंग इनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मोबाइल से आपको ब्लूटूथ टेथरिंग यूज़ करना है उसके डिवाइस में जाइए, ठीक है। आपको आपके मोबाइल पर नहीं जाना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको वो दूसरे मोबाइल पर जाना है, और उसके मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेटरिंग ऑप्शन पे जाके उसके डिवाइस के ब्लूटूथ टेटरिंग को इनेबल कर देना है, ठीक है। इसको इनेबल करने के बाद ही दोस्तों आप अपने मोबाइल पे जाइए, कनेक्शन पे क्लिक कीजिए, उस डिवाइस पे इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। एंड देन ब्लूटूथ के ऑप्शन पे जाके गियर आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इंटरनेट एक्सेस इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और अभी काम कर जाएगा, प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों बेसिकली आपकी डिवाइस में से नहीं आते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं से भी आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर रहे हैं और जिस मोबाइल से आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए उस मोबाइल के ब्लूटूथ सेटिंग पर जाए, ब्लूटूथ टेटरिंग को इनेबल करें, एंड देन आपके मोबाइल पर जाके सेलेक्ट कीजिए इंटरनेट एक्सेस को, ठीक है। ब्लूटूथ के ऑप्शन पर जाके इंटरनेट एक्सेस को सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद कनेक्ट भी हो जाएगा, प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बेसिक सा सॉल्यूशन बताया, अगर प्रॉब्लम आते हैं तो आप रीसेट कर दीजिए ब्लूटूथ सेटिंग्स को। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स्ड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।